आप सबसे मेरा निवेदन है, बांसुरी से सीखो मीठा बोलना, बांसुरी से सीखो कैसे मीठा बोला जाए। रोज भगवान के सामने बैठ के घंटरिया बजाने से भगवान खुश होने वाला नहीं है। कुछ गुण होने चाहिए तुम में वैसे, जिससे वो तुम पर प्रसन्न हो। रोज सामने बैठकर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो, गायत्री का जाप करो, और 1,00,000 गायत्री का जाप करो, और 2400 घंटे दूसरों के विनाश के बारे में सोचते रहो, उल्टे सीधे गालियां देते रहो, क्या वो सर्वेश्वर भगवान तुमको नहीं देखेगा? नहीं देखेगा, क्योंकि जितना वो तुम्हारे बाहर आउटसाइड नहीं देखता, जितना तुम्हारे इनसाइड देखता है। तो पहले इनसाइड क्लीन कर, जब इनसाइड क्लीन हो जाएगा, बांसुरी का ये गुण है, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, वेद सूत्र है। इतने छिद्र होने के बाद भी बांसुरी जब बोलती है तो मीठा बोलती है। आप क्यों नहीं मीठा बोल सकते? आप तो इंसान है, आप तो मानव है। अच्छा एक काम करो, क्या 2400 घंटे क्रोध कर सकते हो लगातार? सोते जागते हो, सो तो उससे पहले क्रोध करो, और जागो तो फिर उठो क्रोध करते 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 करते। इज इट पॉसिबल? बताइए क्यों नहीं है? जानते हो? क्योंकि हम जिसके अंश हैं उसका स्वभाव ही नहीं है क्रोध करना। हाँ, प्रेम कर सकते हो 2400 घंटे। मेरे मालिक का, मेरे परमात्मा का स्वभाव है प्रेम करना। अगर प्रेम की बात आएगी तो बिना रोक टोक 2400 घंटे लगातार प्रेम कर सकते हैं, बिना रुके। क्योंकि हमारा स्वभाव वही है। तो मीठा बोलिए, गांठ मत रखिए। तीसरी बात, जरूरत ना हो वहां बोलिए ही मत, जब तक सामने वाला तुम्हें अधिकार ना दे। जरूरत ही नहीं, बेवजह बोलने की आवश्यकता ही नहीं। कई बार बेवजह बोलकर हम अपने जीवन में खतरा मोल ले लेते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा।